हेलो गाइस, मैं हूँ वर्नाली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्नाली द रैनबो। सो गाइस, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पास्ता की रेसिपी। सो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, देखिए हमने पास्ता ले लिया है। अब हम पास्ता को इसमें बॉईल कर लेंगे। हमने यहाँ लगभग 500 ग्राम पास्ता ले लिया है। सो गाइस, अब हम पास्ता में थोड़े से रिफाइंड ऑयल मिला लेंगे ताकि इससे पास्ता चिपके ना। एंड अब हम इसमें थोड़ी सी सॉल्ट भी ऐड कर लेते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। कुछ देर रखने के बाद देखिए गाइस, हमारा पास्ता बॉईल हो गया है। अब हम पानी से इस तरह निकाल लेंगे। सो इधर पास्ता रेडी है एंड इधर हमने वेजिटेबल्स भी कटिंग कर लिए हैं। सो अब हम बनाएंगे स्वीट कॉर्न पास्ता। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल निकाल लिए हैं। देखिए हमारी ऑयल गर्म हो गई है। अब हम इसमें ऑनियंस एंड गार्लिक को फ्राई कर लेंगे। सो देखिए हमारा ऑनियंस थोड़ी सी सीझ चुकी है। अब हम इसमें कैप्सिकम एंड बीन्स को ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी सॉल्ट ऐड कर लेंगे एंड साथ ही साथ इसमें थोड़ी सी टर्मरिक भी ऐड कर लेंगे। अब इसे कुछ देर हम चलाते रहेंगे। सो गाइस, ये 60% सीझ चुकी है। अब हम इसमें टोमेटोस ऐड कर लेंगे एंड फिर से हम इसे कुछ देर चला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी सोया सॉस ऐड कर लेंगे। अब इसे एक बार मिला के इसमें हम स्वीट कॉर्न भी ऐड कर लेंगे। सो गाइस, जिसे स्वीट कॉर्न पसंद नहीं है वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें थोड़ी सी टमाटो केचप मिला लेते हैं एंड इसे अच्छी तरह से अब थोड़ी फ्राई कर लेंगे। एंड अब हम इसमें थोड़ी सी चिली सॉस भी ऐड कर लेंगे। एंड लास्ट अब हमें इसमें पास्ता ऐड कर लेनी है। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे एंड इसमें हम थोड़ी सी पास्ता मसाला ऐड कर लेंगे। देखिए कुछ देर इस तरह से हमें इसे फ्राई होने देना है। सो गाइस, हमारा पास्ता रेडी है। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ी कोरिएंडर लीव्स मिला लिए हैं। तो इस तरह की आप भी रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करें एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी पास्ता की रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। डू लाइक, शेयर, कमेंट, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।